को बेच दिया है, समझ रहे हो? इतना बुरा हाल है, 200-200 रुपए का खाना, बताओ कमाई हो नहीं रही लोगों की। दिल्ली में लोग परेशान हैं, ये दिल्ली में मोदी जी की वजह से लोग परेशान हैं। केजरीवाल ने तो महिलाओं को बसें फ्री कर दी, महंगाई पे जो डाका मोदी ने डाला था, भाजपा ने डाला था, उसे खत्म करने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय केजरीवाल जी ने किया है। और सर, जो अभी दिल्ली में जो जल भराव हुआ है उसके कारण इतने सारे मासूमों की जो जान जा रही है, वो कहाँ तक सही है? देखिए, ये हमारे जो रेड़ी पटरी लगाने वाले लोग हैं इनके साथ भी अत्याचार हो रहा है। पटरियाँ नहीं लगाने दे रहे, गरीब को कमाने नहीं दे रहे, ये भाजपा के लोग हैं। इनका चेहरा जब सामने आता है तो जब वो पकड़ने आता है तो उससे बोलते किसने बोला, तो कहते नेता जी ने बोला। कौन से वो नेता हैं छुपे हुए, कौन से जो लोग हैं जो गरीबों को कमाने नहीं दे रहे हैं उनसे उघाई कर रहे हैं? ऐसे लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए। सर, जब से प्रधानमंत्री जी तीसरी कार्यकाल में आए हैं तब से आप देख रहे हैं ना कितने सारी रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं? दुर्घटनाएं भाजपा करा रही है, मोदी जी को पता नहीं है? आप भाजपा करा रही है और मोदी जी को पता नहीं है? 32,000 करोड़ रेलवे इनको देती है, क्या करते हैं उस पैसे का? ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है या गरीब के पेट में जाता है? ये पैसा कहाँ जाता है? जनता पे इतना टैक्स लगा दिया आपने, 100 रुपए की चीज 200 रुपए का बेच रहे हो आप, उसके बाद आप कह रहे हो कि हम इतनी GST ले तो रहे हैं लेकिन हम महंगाई नहीं खत्म कर पा रहे, हम गरीबों को न्याय नहीं दिला पा रहे। अरे, महिलाओं को 1,000 रुपए देने की बात थी, LGG फाइल दबाए बैठे हैं। अरे क्यों नहीं महिलाओं के खातों में 1,000 रुपए डाल? 1,000 रुपए कोई बड़ी बहुत बड़ी चीज नहीं है, 1,000 रुपए रक्षाबंधन आ रहा है। मोदी जी सभी क्यों नहीं LG साहब वो फाइल क्लियर कर रहे हैं? महिलाओं के अधिकार को अगर किसी ने दबाया है तो भाजपा ने दबाया है। आज महिलाएं जो हैं उन्होंने केजरीवाल जी, जो माननीय केजरीवाल जी को जेल में डाल रखा, बताइए उनकी हत्या कराना चाहती भाजपा है? कहाँ तक सब नेता हमारे बड़े बड़े सब जेल में हैं, पार्टी ऑफिस बंद करने की बात करते हैं ये लोग। बहुत बुरा हाल है। इंडिया गठबंधन में तो बात हो गई थी, नीतीश जी आए, हम लोग तैयार हैं, राहुल गांधी भी कह रहे हैं अगर केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे बन जाएं। लेकिन कहने मतलब है देश का भला हो, जनता का भला हो, बेरोजगारी खत्म हो। बेरोजगारी है नहीं, बेरोजगारी बनाई गई है, ये नौकरी नहीं देना चाहते हैं। जब पहले आप कोई व्यक्ति 8 घंटे आपके यहाँ काम करेगा उसके बाद आप उसको नौकरी देंगे, तनख्वाह देंगे, उसके बाद भी आपने उसको बेरोजगार बिठा रखा है, ये कहाँ की न्यायिकता है? ये कहाँ का संविधान है? ये कहाँ पे संविधान में बैठे हुए लोग हैं जो जज के बगल में रीडर पैसे लेता है और फिर कहते हैं कानून देश से चल रहा है? ये कौन से लोग हैं जो न्याय दिला रहे हैं? ये कौन से लोग हैं जो संविधान की शपथ खा रहे हैं? ये झूठे लोग हैं, इनके पास कुछ अपना नहीं है, ये अपने माँ की कसम खा के भी झूठ बोल देते हैं, जनता का काम नहीं करते हैं। एक व्यक्ति मेरे को मिला, मेरे से बोलता है दुबे जी आप किसी बड़े नेता से मिले? मैं किसी से नहीं मिला, मैं क्यों बोल दूं? कल कोई फंस जाए भ्रष्टाचार में, मेरा नाम भी आ जाए, तो बोले मेरे पास फोटो है उनकी, देखिए मैं अखिलेश से मिल गया। मैंने कहा अखिलेश बढ़िया नेता है, लेकिन क्या आपका अखिलेश काम कर रहे हैं? मिलने जुलने से कुछ नहीं होता, जनता का जो काम करे वो नेता होता है। उसे आपके हिसाब से कौन कर रहा है? आपके हिसाब से कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। महंगाई इतनी बढ़ा दी है, बताइए अमेरिका कहाँ चला गया? 85 रुपए डॉलर होने जा रहा है, 100 रुपए अमेरिका डॉलर की बात कर रहा है, इंडिया कितना पीछे हो गया? 85 गुना भारत पीछे हो गया। उन्होंने तो कहा था जब हम आपको आजाद किए थे, यू गेट द फ्रीडम देन वी आर डूइंग 1 रुपीज इक्वल टू 1 डॉलर। आपने काम नहीं किया, आपके लोगों ने काम नहीं किया, आपने अच्छी व्यवस्था नहीं बनाई। भाई हमें अंग्रेजों ने रेलवे दी, क्या नहीं दिया? आज रेलवे सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट का, कहीं भी जाना रेलवे पकड़ लो, ट्रेन पकड़ लो, रात में पकड़ लो, 2 बजे ट्रेन है, 4 बजे ट्रेन है, आप अपने घर पे। आज करोड़ों रुपए रेलवे के पास आ रहा है लेकिन कोई सामाजिक नीतियाँ ही नहीं है, CSR है ही नहीं रेलवे का। सर, नरेंद्र मोदी जी पे आरोप लगता है कि उन्होंने रेलवे को अडानी और अंबानी को बेच दिया है, सब चीजों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। इतना पैसा है रेलवे में कि अडानी ने बिड लगा दी, बताइए ये देश बेचने में लगे हैं, सरकारी को प्राइवेट कर रहे हो, कहाँ भैया आप ये कर रहे हो? हैं, अग्निवीर की फाइल डिफेंस मिनिस्ट्री से उठ के PMO ऑफिस कैसे चली गई? अगर जाति डिस्कशन होता ना,
कि आखिर मुद्दे क्या थे, किस आधार पे आपने अपनी वीर को आप लेके आए, ऐसी क्या आपको जरूरत पड़ गई? पूरे विश्व में न्यूज चल रही, टाइम्स मैगजीन ने छाप दिया, हमारी तो तभी हम तो नाले में गिर गए थे। देखिए ये बुरा हाल है, बाहर जाके निकले, यमुना में निकले, अगर हमने एनसीसी नहीं की होती तो हम तो मर गए होते। आपने एनसीसी कर रखा है? हमने एनसीसी सी सर्टिफिकेट ले रखा है, हम एयरफोर्स स्कूल में पढ़े हैं, वहाँ हमें बहुत कुछ पढ़ाया गया, बताया गया डिफेंस। सर जो अग्निवीर योजना है उसमें भी तो युवाओं को शिक्षित किया जाएगा ना? हमारे पिताजी खुद एयरफोर्स से रिटायर हैं, खुद कह रहे हैं ये अग्निवीर जो है, हम खुद डिफेंस में रहे, सैनिक स्कूल में रहे, ये अग्निवीर क्या है? वीर को आपने अग्नि पे बिठा दिया, ये अग्निवीर है आपका है? एक नेता अगर एक साल कुछ शपथ लेके नीचे आ रहा, उसको पेंशन दे रहे हो, आप जवान को पेंशन नहीं दे रहे हो। 10 साल नौकरी करो, 20 साल, ठीक है, डिफेंस का जो रूल है, सेना को और मजबूत करने की जरूरत है, किसानों को हम MSP नहीं दे रहे हैं, बताइए किसान, इतनी गर्मी पड़ गई थी कोई बाहर नहीं निकला, सब AC में बैठे थे, IB का अधिकारी भी AC था, IB का ऑफिसर भी AC था, सरकारी सब AC में बैठे थे, किसान खेत में था। अगर बायोलॉजिकल सर्वे लिया जाए, ऊपर सैटेलाइट से फोटो खींची जाए, तो उस गर्मी में अगर कोई मर रहा था तो हमारा जवान मर रहा था, हमारा किसान मर रहा था, और हमारे जवान और किसान को ही दबा दिया गया, ये कैसी राजनीति हो रही है भाई? हमें तो बड़ा दुख लगा जब हमने इतनी MCOM MPhil LLB डिग्रियां ली और लेने के बाद बैंक में नौकरी देख की तो इतना भ्रष्टाचार, गरीब को लोन नहीं मिलता है, क्या हो रहा है ये? बैंकों में फ्रॉड हो रहा है, 18% पे लोन बांट रहे, बताइए 8 लाख लेगा वो 16 लाख भरेगा? ये कहाँ से आप फाइनेंशियल इंक्लूजन ले आए हैं? ये कौन सी किताबें आपने लोगों को पढ़ा डाली है? BTech MTech करके आप टारगेट दे देते हैं, 10 लाख का टारगेट करिए, लोग सोचते हैं हमकारी नौकरी नहीं लग गई, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट बंद होने चाहिए। नौकरियों का मतलब ये था कि अगर बंदा आपने हायर किया, बंदा जाएगा आएगा, लेबर यूनियन खत्म आपने कर दी, लेबर जो कानून थे वो खत्म कर दिया, लेबर एक्ट को आपने खत्म कर दिया, संशोधन कर दिया, उसमें रही क्या गया? पहले अगर कोई लेबर था, कंपनी में नौकरी करता था, कोई हादसा हो जाता था तो उसको 10 लाख 20 लाख रुपए पैसा दिला दिया जाता था, अब वो भी नहीं दिलाया जाता। तो ये मोदी जी तो सिर्फ अडानी अंबानी का काम कर रहे हैं, टाटा ने कह दिया कुछ नहीं हो रहा है, शेयरों को आप देखिए 80,000 मार्केट चला जाता है, बाद में 70,000 चला जाता है, बताइए 10,000 की मार्केट का मतलब है 70,000 करोड़, ये पैसा किसकी जेब में गया है? मार्केट तो फिर टूट जाएगी, वो तो हमें पता है, जनता कमाएगी, आपको भरेगी, आप GST लेंगे, जनता तो टैक्स भरे भरे परेशान है, हर आदमी जो 500 रुपए खर्चा कर रहा है उसमें 150 GST भर रहा है। सर आपका नाम क्या है? एडवोकेट सुशील दुबे, मैं लोकसभा कानपुर लोकसभा में लड़ा, 3 बार लड़ा, इन्होंने मेरा पर्चा गायब करा दिया कानपुर से, किस तरीके हाँ जमा भी किया था, ये कह रहे हमारे, अरे इनके साथ आओ तो आप, इनके पास ऐसी मशीन है कि इधर से डालोगे वहाँ से आप सफ़ेद हो जाओगे, आप वाइट वाश हो जाओगे, ये सैमसंग से भी महंगी मशीन है भाई, सैमसंग कहती हम दाग धोते हैं, लेकिन जो असली दाग लगे हैं दामन पे उनको कौन धोएगा, वो दाग बड़े गहरे हैं। आज देखिए, आज इन्होंने कहा, हमने जब लोकसभा आया तो हमसे पूछा गया कि अब भाजपा क्या करेगी, हमने कहा कुछ नहीं, मंदिर राम मंदिर बना देगी, क्योंकि इन्हें रोटी नहीं देनी, रोटी देना महंगा है, राम मंदिर तो बना दोगे आप, आपने अच्छी बात है 500 लोगों को रोजगार दे दिया, वहाँ मिठाइयाँ बटे, लोग जाएं राम के दर्शन करें, लेकिन राम स्वयं कह रहे हैं, राम भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जब भगवान स्वयं धरती पर आए तो उनके साथ इतना सारा अत्याचार हो गया, बताइए उनकी है ना, और गलत बात है, राम के नाम पे वोट लेने की जो इनकी कोशिश थी वो पूरी नहीं हुई, पूरी नहीं हुई, और उसके बाद हम देख रहे हैं ताजिया और वो बेचारे हमारे शिव यात्रा लेके निकलते कावड़िए है ना, उनको भिड़ा, अरे उनकी सेवा करिए, हमने कहा जिसके पास धन है वो भंडारा करे, यही समय है, सावन में तो आदमी घर से खाना लाता ही नहीं, भंडारे में खाता है, कोई ऊंच नीच का भेद नहीं है, ये बाबा भोलेनाथ की शिव यात्रा है, इसमें दानव भी रहते हैं, मानव भी रहते हैं और देवता भी रहते हैं, हर कोई रहता है इसमें, ये बाबा भोले शिव की बारात है, और हमें बहुत देखिए दूर तक जाना है, भारत अगर विश्व गुरु बनना चाहता है तो इस आधार पे नहीं बनेगा जिस आधार पे इन्होंने बना दिया,
अब वहाँ जाके बोलते हैं कि वो जब पूछते हैं WHO में आप किस किस आधार पे आप आएंगे, विश्व की नीतियों के आधार पे आएंगे क्या विश्व के, तो बोलते हैं हम विश्व गुरु में आएंगे। उन्होंने मान भी लिया, भारत का ब्रेन नंबर वन ब्रेन है ये पूरी दुनिया जानती है। और भाई देखिए आज अमेरिका भी भारत का सम्मान कर रहा है, रसिया भी कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन उसमें हम युद्ध के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। हम किसानों को सम्मान दिलाने के पक्ष में, हम जवानों को सम्मान दिलाने के पक्ष में। जवानों के साथ भेदभाव होगा तो बहुत दुख होता है, रोना आता है। वो देखिए एक महिला और बच्चा बेचारा नाले में गिर गया, उनके पति के उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए। सर मुआवजा, सर एक इंसान जब जाता है तो मुआवजा कवर नहीं कर सकता है। अरे आर्थिक रूप ही होता है, आर्थिक सामाजिक नहीं है। आपके पास 10 रुपया कौन आपको रोटी खिला देगा? अब उनको किस अपने वो कमाती होगी। सर मुआवजा तो दे दिया जाएगा, लेकिन जब इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तब तो हर साल जान जाएगा ना। अरे क्या जाएगा, जब इनसे पूछो, किसी से पूछो, नेता जो बैठा है तो कह रहा अरे इतना बड़ा दिल्ली है, 10 करोड़ आबादी, कोई तो नाले में घुस ही जाएगा। हम घुस गए, हम यमुना निकले जाके, वो तो हमें पता था कैसे कि अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो सांस रोक लो या जो भी आपको फिर बाहर निकलना है, फिर सांस लेके अंदर जाना है, तो एक प्रोसेस होता है। वैसे आप देखिए, देखिए आज आप देखिए भारत भोले बाबा भी नाराज हैं, इतनी गर्मी, थोड़ी देर में इतनी गर्मी, फिर बारिश ही बारिश। रात में हम फंस गए, बहुत लोग थे, छोटे बच्चे थे बेचारे, रोने लगे बारिश देख के, जनता डर गई। भाई छोटे बच्चों का बहुत बड़ा सवाल है, हमने कहा 3 कम्युनिटी को आप रिजर्व कर दीजिए, छोटा बच्चा, बुजुर्ग महिला और जो वो हैं क्या बोलते हैं ट्रांसजेंडर होते हैं ना, उनको भी हमने कहा रिजर्व करिए। उनके साथ गलत अत्याचार होता है, बेचारे अगर मांग रहे हैं आपको देना दीजिए, नहीं देना छोड़िए। वो बाबा भोले अर्धनारी का रूप है, बाबा भोले का रूप है, किसी का अपमान नहीं करना है हमें उस। थैंक यू सर। ठीक सर, जैसा आप कह रहे थे बहुत महंगाई है, महंगाई तो बड़ी बड़ी है, हर जगह महंगाई वही बड़ी है, चाहे 20-20 रुपए की, 25-25 रुपए की बिक रही है, चाहे 20-25 रुपए की वही बड़ी है। टमाटर 100 रुपए किलो भाऊजी भी बता रहे हैं, 80 रुपए 100 रुपए किलो बिक रहे हैं। लहसुन इतना महंगा हुआ पड़ा, खाने पीने की सब्जियां 100-150 रुपए से नीचे कोई भी सब्जी नहीं है। टिंडा लिया, टिंडा वापस किया 206 रुपए किलो, जो कि बच्चे खा के खुश नहीं है, क्या करेगा। और गवर्नमेंट अपना पल्ला झाड़ लेती है कि इस साल फसल नहीं हुई, इस साल इसलिए सब चीज़ें महंगी हुई पड़ी हैं, इसका कोई सलूशन निकालना चाहिए ताकि आगे कभी भी आने वाले टाइम में ऐसा काम ना हो सके। पर मोदी जी का ध्यान विदेशी यात्राओं के अलावा और किसी चीज़ में है ही नहीं। अपना देश, अपने देश पे उतना ध्यान नहीं है कि हमारे देश में कितनी परेशानी हो रही है, कितना जल जमाव हो रहा है, जिसके कारण कितनी आम जनता का जान गया, UPSC एस्पिरेंट्स का जान गया, रोज करंट लगने से जान जा रहा है। ये सब इन लोगों का शुरू से एक ही मकसद रहा है